अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गोबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अफ़सल। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों से धान खरीदी के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं, जायजा इजलास में उदरियाला के सी आर ने चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। मियांपुर और इब्राहिम पटन अराजी स्कैम की सीबीआई तहकीकात करवाई जाए। अपोजिशन कायद खान सास काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर-ए-आला के सी आर से किया मुतालबा। पेटीएम वैलेट के जरिए बैंक अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर रकम मुंतकिल करने वाला मुलजिम साइबर सेल रचा कुंडा के हाथों गिरफ्तार। मुगलपुरा पुलिस ने तारीख मुद्दत इस्तेमाल खत्म होने के बाद फरोख्त होने वाली अशिया के सिलसिले में किया धावा। 82 लीटर डालडा घी और 54 लीटर तेल किया गया जब्त। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह को हिदायत दी कि वह फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदी के इकदाम करें। इसके लिए चाहे जितना भी फंड्स दरकार हो, हुकूमत इसके लिए इकदाम करेगी। उदयाद तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया और चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह को हिदायत दी कि वह फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदी के लिए इकदाम करें। उन्होंने बताया कि इसके लिए जो भी फंड दरकार होंगे, हुकूमत इकदाम करेगी। अहदेदारों ने उदयाला को बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 37 लाख मैट्रिक टन किसानों के पास धान मौजूद है। इसके लिए तकरीबन 5,300 करोड़ रुपये दरकार होंगे। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को बताया कि हुकूमत किसानों को किसी किस्म का नुकसान होने नहीं देगी, क्योंकि टीआरएस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा जहन रखती है। अपोजिशन लीडर खान सास काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह मियांपुर अराजी और जनरल सेक्रेटरी टीआरएस रुकन राज्यसभा केशव राव की इब्राहिम पट्टनम वाली अराजी मामले की सीबीआई तहकीकात करवाएं और इन अराजियात को हासिल करते हुए या तो डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाए जाएं या फिर इसे फरोख्त करते हुए इससे हासिल होने वाली रकम वाटर ग्रेड में खर्च की जाए। अपोजिशन कायद खानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए विधायक तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह मियांपुर अराजी और जनरल सेक्रेटरी टीआरएस ने राज्यसभा के केशव राव और उनकी दुख्तर टीआरएस कॉरपोरेटर विजया लक्ष्मी की इब्राहिम पटन के अराजी वाले मामले की सीबीआई तहकीकात करवाएं और इन अराजियात को हासिल करते हुए या तो डबल बेडरूम तामीर करवा कर कमजोर तबकात के हवाले किए जाएं या इन अराजियात को फरोख्त करते हुए से हासिल होने वाले करोड़ों रुपये आमदनी को वाटर ग्रिड या हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाली स्कीमात पर खर्च किया जाए। 3 సంవత్సరాల నుంచి నీ డ్యాంలలో ఉన్న చాపలు అది కూడా చచ్చిపోతున్నాయి, ఎవరు బాధ్యతడు? ఇప్పుడు దీనికి ఎవరు ముఖ్యమంత్రికి శిక్షించాలనా, మంత్రి తల్సానికి చెప్పాలనా, డిపార్ట్మెంట్ కి ఇవ్వాలనా? ఎంత పబ్లిసిటీ చేశారంటే 20,000 కోట్ల వ్యాపారం అయిపోతారట, 20,000 కోట్ల చేపల ధరలు అయిపోయి ఇక అంత చేపల మెటవులు అంత బంగారం అయిపోతుంది అటువంటి ఇంట్లంతా. ఎక్కడ ఉందా కేసీఆర్ బంగారం? ఉన్న మంచి చేపలు చంపేస్తారు నీ డూప్లికేట్ చేపల వల్ల, నీ ఇథనాల్ వల్ల. అంటే ఇథనాల్లో డూప్లికేట్, చేపలలో డూప్లికేట్లు, ఈ ఎగ్జామినేషన్లో డూప్లికేట్లు,
ఇవన్నీ డూప్లికేట్ 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 వల్ల మరి ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అంటే డూప్లికేట్ రిజిస్ట్రేషన్లు డూప్లికేట్ మనుషులు తయారైతున్న ఎవరో పేరు మీద ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్లు చేసేసుకుంటున్నారు అంతా నీ రాజ్యం అంతా డూప్లికేట్ రాజ్యం ఉన్నది కాబట్టి నీ ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే స్పందించి ఈ ఈ చేపలు చనిపోయిన చోట వాళ్ళకు ఏం రాయితీ ఇస్తారు వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఎట్లా ఇస్తారు వాళ్ళను ఎట్లా ఆదుకుంటారు వాళ్ళ జీవన ఆధారం కేవలం చేపల మీదనే ఉన్నది వాళ్ళని ఎట్లా ఆదారు ఇప్పుడు మీరు తక్షణమే ఈ లెటర్కు సమాధానం ఇవ్వాలా పబ్లిక్ కు చెప్పాలా ఈ చనిపోయిన చేపలు ఎన్ని ఎన్ని సొసైటీ टीआरएस रुकने राज्यसभा के केशवराव ने कहा है कि उन पर और उनके अराकीन खानदान पर इब्राहिम पट्टनम की अराजी वाले मामले में बेकायदगियों के जो इल्जाम आयद किए जा रहे हैं उसमें जरा बराबर भी हकायक मौजूद नहीं है क्योंकि उस अराजी के सिलसिले में अदालत ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो अराजी फॉरेस्ट की नहीं है ये सिर्फ मीडिया और अपोजिशन की तरफ से बेबुनियाद इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। टीआरएस में राज्यसभा के केशवराव ने मीडिया से बात करते हुए उन पर और उनके अराकीन खानदान पर इब्राहिम पट्टनम के अराजी वाले मामले में बेकायदगियों के जो इल्जाम आयद किए जा रहे थे बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने बताया कि इल्जाम में जरा बराबर भी हकायक मौजूद नहीं है क्योंकि इस अराजी के सिलसिले में कोर्ट ने वाजे तौर पर बता दिया था कि अराजी फॉरेस्ट की नहीं है और ये सिर्फ मीडिया और अपोजिशन की जानिब से बेबुनियाद इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। केशवराव ने बताया कि जिस रजिस्ट्रार को मुअत्तल किया गया है वो इस अराजी वाले मामले में नहीं बल्कि दूसरे मामले में उसे मुअत्तल किया गया था। कांग्रेस रुकने राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी की अर्थी को गांधी भवन में रखने के बाद उनकी आबाई मुकाम नलगुंडा रवाना करते हुए उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाजात के साथ अदा की गईं। उनकी खयामगा और गांधी भवन पहुंचकर खिराज पेश करने वालों में रुकने पार्लियामेंट कविता तेलुगुदेशम कायद एल रमनाज सीपीआई कायद आर वेंकट रेड्डी कांग्रेस कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा डॉक्टर गीता रेड्डी और संपत कुमार के अलावा दीगर शामिल थे। कांग्रेस उप्र राज्यसभा सीनियर कांग्रेस कायद पी गोवर्धन रेड्डी की अर्थी को गांधी भवन पर रखने के बाद उनके आबाई मकाम जिले नलगुंडा रवाना किया गया। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाजात के साथ अदा किए गए। उनकी खयामगा और गांधी भवन पहुंचकर खराज पेश करने वालों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन जिनमें काबिल जिक्र टीआरएस में पार्लियमान की एक कविता वज़ीर दाखला नायनी नरसिम्हा रेड्डी रियासी वज़ीरात पीस निवास रेड्डी सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना के अलावा सीपीआई कायद आर वेंकट रेड्डी सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस अराकीन असेंबली डॉक्टर गीता रेड्डी संपत कुमार साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव के अलावा दीगर कायदीन शामिल हैं। मोगलपुरा पुलिस ने हरीबालू में एक बावसुख इत्तला पर धावा करते हुए तारीख मुद्दत इस्तेमाल ख़त्म होने वाली अशिया जिनमें डालडा घी और ऑयल भी शामिल हैं जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक ग्रीन वेल फंक्शन हॉल के रूबरू धावा करते हुए पुलिस ने 82 लीटर डालडा घी और 54 लीटर तेल बरामद किया जिसकी मुद्दत इस्तेमाल की तारीख यानी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी थी। इस सिलसिले में पुलिस ने गोपाल नामी शख्स को गिरफ्तार किया और केस दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दिया गया। इंस्पेक्टर मोगलपुरा ने कहा कि तारीख खत्म होने के बाद अशिया का फरोख्त करना एक कानूनी जुर्म है और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। हरिबोली क्रॉस रोड के पास एक घर है उसका नाम श्री गोपाल बोल के था। उसके पास 82 लीटर डालडा है और ऑयल 52 केजीज का है। दोनों डेट एक्सपायर हो गया तो भी भेज रहा उसको पकड़ के रिमांड कर दिया।
साइबर सेल रचाकुंडा ने पेटीएम के जरिए बैंक अकाउंट से 60,000 रुपये मुंतकिल करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए केस को हल किया। तफसीलात के मुताबिक लाल बाजार सिकंदराबाद में वाक़े मिलिट्री कॉलेज के मुलाजिम हरिकेश यादव ने सिलसिले में साइबर सेल रचाकुंडा में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद तहकीकात की गई और पता चला कि 27 साल जी महेश साकिन जवाहर नगर ने पहले हरिकेश यादव का सिम कार्ड सरखा किया था, जिसके बाद अकाउंट की तफसीलात हासिल करते हुए उसने ये रकम मुंतकिल कर ली। कबल अजी मुलजिम महेश राम प्रसाद नामी शख्स का एटीएम कार्ड भी सरखा कर चुका है। इंसान अपने अज़म व इस्तिख़लाल से कुछ ऐसे काम भी कर जाता है जो सोचने में काफ़ी मुश्किल मालूम होते हैं। ऐसे एक नौजवान ने अपना एक हाथ ना होने के बावजूद अपने रोज़गार का जरिया खुद से बनाया है। रैन बाज़ार के साकिन मोहम्मद साजिद पिछले 6-7 महीने से अपनी एक्टिवा पर पुराने शहर के कई इलाके जात में सुलेमानी फरोख्त किया करते हैं। मोहम्मद साजिद से तफसीली तौर पर बात करने से पता चला कि वो फ़ोन पर इन सर्विस देते हैं और पुराने शहर के कई इलाकों से उन्हें सुलेमानी के लिए फोन आते हैं। सुलेमानी चाय वो खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं और फिर उसे एक्टिवा पर रख कर निकल जाते हैं। वो अपनी सुलेमानी तकरीबन 6 फ्लेवर्स में फरोख्त करते हैं। मोहम्मद साजिद की जद्दोजहद और मेहनत मिसाली है ऐसे नौजवानों के लिए जो वसाइल रखने के बावजूद बेरोजगार हैं। लेकिन लोग मुझे साजिद सुलेमानी के नाम से पहचान रहे हैं। मैं सुलेमानी की सर्विस कर रहा हूँ, करीब 6-7 महीने हो गए सुलेमानी की सर्विस दे रहा हूँ। 6 फ्लेवर की सुलेमानी है, मसाला है, अदरक है, लेमन है, तेज है, जिंदा तुलसी है, पुदीना है, राशन की सर्विस कर रहा हूँ। पूरी अपने ऊपर ही है, ये कारोबार कर रहा हूँ, गुजारा तो गुजारा, लेकिन ये महान के ये जमाने के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से और चाहिए। आप लोग कॉपरेट करिए, कॉल करिए, फेसबुक पे मेरा पेज बनाए लोगों ने साजिद सुलेमानी के नाम से, पेज पे लाइक करिए, फॉलो करिए, यानी तो आप पेज से भी, फेसबुक से भी ऑर्डर दे सकते हैं, गूगल पे जाके साजिद सुलेमानी टीम आ दे सकते हैं, फेसबुक पे जो है सो यूट्यूब पे भी मेरा है। आप सबसे गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहरबानी, अल्लाह आप लोगों के दिल में मोहब्बत डाला, गुजारा चल रहा, आगे भी आपकी हमारी मोहब्बत बरकरार रही, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ सके। नेशनल सेंटर जमीयतुल कुरैश की जानिब से मुस्तहक खानदानों में इमदाद का सिलसिला जारी है और माह रमज़ान के मौके पर सालाना ज़कात फंड के अलावा माहाना वज़ाइफ भी तकसीम किए गए। जियागुड़ा ब्रांच में मुनक़िद इस प्रोग्राम में सरपरस्ते आला मोहम्मद अब्दुल सत्तार चांद कुरैशी की शालपोशी और गुलपोशी की गई, जबकि इस मौके पर नईम कुरैशी के अलावा सदर जमीयतुल कुरैश फिरोज़ कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी, खाजिन अखिल भी मौजूद थे। मुस्तहक खानदानों में जरूरी अशिया और मलबूसात के अलावा नकद रकम भी हवाले की गई। इस मौके पर सरपरस्ते आला मोहम्मद अब्दुल सत्तार चांद कुरैशी ने जमीयतुल कुरैश में तावुन करने वालों से इजहार तशक्कुर किया, जबकि जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी ने जमीयतुल कुरैश की कारकर्दगी से वाकिफ करवाते हुए कहा कि कुरैश बरादरान के बच्चों के लिए बेहतर तालीम के लिए जमीयत की जानिब से कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कुरैशी बरादरी के बच्चों के लिए तालीमी अखराजात में कमी लाते हुए स्कूल्स में नुमाइंदगी की जाएगी। जमीयतुल कुरैश के इंतखाबात हुए, जिसमें शेख फिरोज कुरैशी साहब ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इससे पहले अब्दुल सत्तार चांद कुरैशी साहब सदर थे, उसके बाद जमीयतुल कुरैश के फिरोज कुरैशी साहब की टीम
तमाम लोगों ने मिलकर जमात की जो है ना कामयाबी के लिए बहुत से काम अंजाम में लाए। नई स्कीम अमल में लाई गई जिसे जो है ना शादी मुबारक स्कीम के तहत 5,100 रुपए बिरादरीना कुरैश को दिए जा रहे हैं और मैयत फंड के तहत जो है ना 5,100 रुपए दिए जा रहे हैं। जो गरीब लोग इसका इंतकाल होगा तो उसको जो है ना इमीडिएट फंड दिया जाएगा और नई स्कीम हमारे स्कॉलरशिप अब आने वाली है। इसके तहत जो है ना हर बच्चे को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये जो है ना तकसीम 200 बच्चों में 100 बच्चे और 100 बच्चों में अमल में लाई जाएगी। ये स्कीम पहली मरतबा अमल में लाई जा रही है। ये तमाम स्कीमात और अभी जो है ना बहुत से स्कीमात हम लोग सोच के रखे हुए इंशाल्लाह जैसा ही ताउन और बढ़ेगा इंशाल्लाह हम नए नए स्कीमात अमल में लाएंगे और इंशाल्लाह जो है ना ये जो ब्रांच ऑफिस है जियागुड़े का जहाँ पर MLA साहब और असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर साहब MP साहब जो एरिया के हैदराबाद के उनसे भी जो है ना बातचीत हुई उनके लेटर पर CM फंड के तहत यहाँ पर जो है ना G+5 बिल्डिंग का अमल में लाया जाएगा और बहुत ही जहाँ पर इसके यहाँ पर कैंप्स डाले जाएंगे लेडीज के टेलरिंग के लिए कंप्यूटर क्लासेस स्कूल्स वगैरह ये वो यहाँ पर कुरैश बिरादरी बच्चे बिल्कुल ही मुफ्त तालीम हासिल करेंगे और हैदराबाद के अंदर 9 स्कूल ऐसे है जो अपना जो है ना मजबूती से जो है ना अपना मुकाम रखते हैं और जो ग्रामर स्कूल्स है वगैरह है जिसके फीस बहुत ज्यादा है उनके प्रिंसिपल से करस्पॉन्ड से हमारी बातचीत हो गई है। बिरादरीना कुरैश के जितने बच्चे है अगर वो स्कूल में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो 50% डिस्काउंट के तहत उनको जमात से लेटर लेकर उन्हें वहां पर एडमिशन लेते हैं। इसीलिए बड़े स्कूलों से जो है ना कर रहे हैं आने हमारा मिशन है। हैदराबाद के अंदर जितने 100 स्कूल है बड़े बड़े टॉप स्कूल उनसे हम बात कर जो बैकवर्ड क्लास कुरैश आती है उसको उठाने के लिए हम बच्चे जितने पढ़ेंगे ज्यादा तालीम हासिल करेंगे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह आजिम हम अच्छे 100 स्कूलों से बात कर उन्हें डिस्काउंट के तहत हम पढ़ाना चाह रहे हैं। हुकूमत का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ और खास करके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और कारवान के हल्के कारवान के MLA कौसर मुद्दीन साहब का हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती वजीर इमारत व किश्तवाड़ टी नागेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने आदिलाबाद के लिए 4 कौमी शाहराओं की तामीर व तोसी की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम अजला में बेहतर से बेहतर शाहराओं की तामीरी काम को तेजी से पाए तकमील करने की हिदायत पहले ही दी थी। माह रमजान मुबारक के दूसरे दहे के आगाज के साथ ही इफ्तार पार्टियों का आगाज हो चला है और दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत पत्थरगट्टी में वाकई निकट सूट्स एंड सारीस की जानिब से हफ्ते को दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिसी कारकुनों और तजारत पेशे अफराद की कसीर तदाद मौजूद थी। प्रोप्राइटर निकट ब्राइडियल वियर शादाब फारूक ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। बशीर एंड सबर बाबू खान ट्रस्ट की जानिब से हर साल बेवाओं और गुरबा में इमदाद तकसीम की जाती है। इस सिलसिले के तहत ट्रस्ट की सरबरा मिसेज सरवर बाबू खान ने खाजी गली गोलकुंडे में वाक़ एक स्कूल में अतराफ व अकनाफ में मुखिम तकरीबन 100 बेवा खवातीन में नकद इमदाद की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मोहम्मद फहीम रियाज अली खान के अलावा सैयद याकूब मिर्जा अहमद बेग और सिद्दीक हुसैन फहद व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि गोलकुंडे के सलम इलाकों में मस्कुरा ट्रस्ट की जानिब से टेलरिंग सेंटर के अलावा दीगर सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं और सालाना बेवा खवातीन और मुस्तहक खवातीन में नकद इमदाद भी तकसीम की जाती है। 15 साल पूर्णिमा साई साकिन निज़ामपेट 7 जून से गुमशुदा बताई गई हैं। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन में सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। नागाराजू की दुख्तर पूर्णिमा भाषियम स्कूल निज़ामपेट की तालिबा है जो 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है। अगर किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि फ़ोन नंबर 9491060942 या फिर 9490617126 पर भी इत्तला दी जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
किसानों से धान खरीदी के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। जायजा इजलास में वज़ीरे आला के सी आर ने चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। मियांपुर और इब्राहिमपट्टन अराजी स्कैम की सीबीआई तहकीकात करवाई जाए। अपोजिशन कायद खान इंसाफ काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला के सी आर से किया मुतालबा। पेटीएम वैलेट के जरिए बैंक अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर रकम मुंतकिल करने वाला मुलजिम साइबर सेल रचा कुंडा के हाथों गिरफ्तार। मुगलपुरा पुलिस ने तारीख मुद्दत इस्तेमाल खत्म होने के बाद फरोख्त होने वाली अशिया के सिलसिले में किया धावा। 82 लीटर डालडा घी और 54 लीटर तेल किया गया जब्त। नाज़रीन रेवेन्यू न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पयाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रेवेन्यू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रेवेन्यू न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।